कड़ाके की ठंड के बीच प्रदेश के 5 नगर निगम और 2 नगर पालिकाओं के लिए मतदान जारी है। लोगों में इस चुनाव को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। 5ों नगर निगम में लोग मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि 19 दिसंबर को इन चुनावों के नतीजों का ऐलान होगा। वहीं बात सुरक्षा की जाए तो पुलिस प्रशासन ने सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। यमुनानगर, रोहतक, पानीपत, करनाल, हिसार, 5ों तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल के अंदर और मैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मतदान शुरू हो चुका है। लोग बाग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं पार्षदों के लिए और मेयर के लिए। पुलिस मुस्तैद है, सभी लोग जो हैं बड़े तरीके से लगे हुए हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं वो मुस्तैद हैं। लोग बाग धीरे धीरे अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। आप सामने सामने देख सकते हैं कि हर तरीके से जो भी वार्ड या बूथ बनाए गए हैं उन पे मतदान हो रहा है और बड़े सुख शांति से मतदान हो रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये जो मतदाता ने अपना मत का प्रयोग करने के बाद जो स्याही का निशान लगाया है और उसके बाद आए। तो सर, आपने मतदान किया? हाँ जी, किया जी। अच्छा, तो कैसा लगा आपने मतदान करके? बहुत अच्छा लगा मतदान करके, मतदान करना भी चाहिए। तो आज लगता है पहला मतदाता आप ही हैं? पहला मतदाता मैं ही हूँ जी, बिल्कुल। और यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है या जो मतदान प्रक्रिया है वो ठीक ठाक है? सुरक्षा व्यवस्था बहुत शांतिपूर्वक है, यहाँ पे ऐसा कोई दंगे फसाद वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है जी, बिल्कुल। ये हिसार के जो है मतदान वार्ड नंबर 2 के जो पहले मतदाता थे जिनके साथ हमारी बातचीत हुई। रोहतक में नगर निगम के मतदान के लिए अभी से जो है पोलिंग एजेंटों ने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वहां पर अपनी कमान संभाल ली है। चुनाव अधिकारियों की बात की जाए तो वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। देखना ही होगा कि इस बार मतदाता आगे किसके पक्ष में वोट डालेंगे, अभी तक ये तय नहीं हो पाया है। हालांकि हर पार्टी अपना अपना दावा जरूर करी है कि उसका मेयर बनेगा, उसका मेयर बनेगा, लेकिन अभी तक की बात की जाए तो इस बार जो है त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ बीजेपी से जहां मनमोहन गोयल हैं, वहीं कांग्रेस से समर्थित सीताराम सचदेवा हैं और इनेलो बसपा की तरफ से संचित नांदल जो है चुनावी मैदान के अंदर है। कड़ाके की ठंड के बीच यमुनानगर के अंदर जो है मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कतारों में किस तरीके से लोग जो है सुबह से ही इनके अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है और सभी जो है अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। पोलिंग स्टेशन के अंदर देख सकते हैं कि पूरी हलचल इस समय नज़र आ रही है, जो वोटिंग करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। यमुनानगर के अंदर जो है 303 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और हर पोलिंग स्टेशन पर जो है 2 टीमें मशीन होंगी। और वहीं अगर बात की जाए तो 3,02,114 जो वोटर हैं वो अपने मतदान का आज यहां पर यमुनानगर जगाधरी के अंदर प्रयोग करेंगे। नगर निगम चुनाव को लेकर सुबह 7:30 बजे से जो वोटिंग शुरू हो गई है, हम खड़े हैं इस समय करनाल का जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर खड़े हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनके भी मैं दिखाना चाहूंगा कि वो अपने जो निशान है, उंगली पर निशान है, दिखाएं कि वोट करके आए हैं। और इसी के साथ इन लोगों से हम जानना चाहेंगे कि आपने वोट करके आए हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं जी कि मेयर ऐसा होना चाहिए जो हमारे करनाल का नाम रोशन करे और करनाल का विकास करे और गरीब का साथ दे। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे जो वोट करके आएंगे। आपने वोट करा है जी अपना? हाँ करा है, हम वोट करके आए, हमें गरीब का साथ देना चाहिए, ऐसा मेयर होना चाहिए हमारा। यहाँ की जो उम्मीदवार हैं, मेयर उम्मीदवार जो हैं वो महिलाएं हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या फायदा होगा जी अगर महिला होगी तो? महिला का देखो जी, अब तो हमने वोट दिया है, अब देखो आगे कैसा मेयर हमारा साथ देते हैं, अब उनका विश्वास देखेंगे। आप वोट कर रहे हैं? हाँ वोट करा है। ये थे वो लोग जो अपना वोट डालकर आए हैं, उनका यही कहना है कि ऐसा उम्मीदवार को हम वोट करके आए हैं जो हमारे दुख सुख में हमारे साथ खड़ा हो और इसी को लेकर हमने वोट किया है। कमरजीत सिंह विर्क, हरियाणा न्यूज, करनाल।